मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर। आज मैं जा रहा हूँ आर्यन इको रिसोर्ट्स जलगांव। बहुत ही अच्छा ये डेस्टिनेशन है, भुसावल से 35 किलोमीटर आता है। टेलीफोन पे इंक्वायरी किया तो आज वो 6 बजे तक चालू रहेगा। और टिकट के बारे में बताऊँ तो पर व्यक्ति उन्होंने 200 रुपये टिकट बोला है बच्चों के लिए, तो शायद मुझे लगता है बड़ों के लिए 300 रुपये भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने फोन पे ये भी सजेस्ट किया था कि आप हर व्यक्ति के लिए 850 रुपये का पैकेज लीजिए, जिसमें आपको खाना भी रहेगा और सारी एक्टिविटीज जो है फ्री रहेंगी, जैसी वहाँ रोप वे है, बोटिंग है और शावर भी है। तो और बच्चों के जो एडवेंचर खेल है, जैसी टॉय ट्रेन है, ये सारी एक्टिविटी आपको फ्री रहेंगी। लेकिन मैंने वो नहीं लिया है क्योंकि हम लोग जो है यहाँ से घर से खाना खा के जा रहे हैं। यहाँ से अभी हम जाएंगे 35 किलोमीटर, तो आप मेरे इस ब्लॉग में बने रहिए। तो चलो चलते हैं, अभी मेरी कार अभी निकलेंगी तो वहाँ का 35 किलोमीटर का शॉर्टकट रास्ता भी मैं आपको दिखाऊंगा। सरकारी बंगलो है और इस सरकारी बंगलो से जो है हम अभी थोड़ी देर में जो है यहाँ से प्रस्थान हो रहे हैं आर्यन इको पार्क के लिए। हम अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भुसावल एरिया से निकल चुके हैं। हम यहाँ से जाएंगे सीधा यावल नाका, और यावल नाका से सीधा हम जलगांव की तरफ जाएंगे, जहाँ एक ब्रिज लगने वाला है। और ये रोड जो है हीरो होंडा शोरूम की तरफ से जाता है सीधा सीधा। ये देखिए, ये NH 53 का ये ब्रिज है, क्योंकि अब हमें यहाँ से सीधा जो है 24 किलोमीटर दूरी पर जलगांव जाना है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर एक वाघूर नदी लगेगी, वाघूर नदी का पुल लगेगा। और इसी रोड पे जो है भुसावल का जवाहर नवोदय विद्यालय भी आपको मिलेगा। वाघूर नदी के पहले एक विलेज आपको मिलेगा, जिस विलेज का नाम है साके गांव। और साके गांव पार करने के बाद आपको आगे एक टोल नाका जरूर मिलेगा, क्योंकि ये टोल नाका जो है भुसावल और जलगांव के बीच में आता है NH 53 हाईवे के ऊपर। ये जो टोल है, ये टोल नशीराबाद आने के पहले आपको मिल जाता है, क्योंकि टोल जैसी पार आप करेंगे तो यहाँ से मात्र नशीराबाद जो है 1 किलोमीटर रहेगा। नशीराबाद भी एक छोटा सा शहर है जो जलगांव के पहले पहले लगता है, आप इसको गांव भी बोल सकते हैं। ये देखिए नशीराबाद यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रहा है। और अभी हम जलगांव के पहले पहले पहुंच चुके हैं, और ये NH 53 हाईवे अभी जलगांव के बाहर से निकलकर ये सीधा धुलिया जाएगा, लेकिन अभी ये बना नहीं है। तो हम अभी जलगांव सिटी के तरफ अभी रुक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं सिंगल रोड, जो पहला हाईवे था ना सिंगल रोड वाला, वही सिंगल रोड से हम पहुंच चुके हैं अभी जलगांव। और जलगांव पहुँचने के बाद हम अभी जाएंगे सीधा आर्यन इको रिसोर्ट। तो जलगांव से आर्यन इको रिसोर्ट का जो रास्ता है, वही मैं आपको इस व्लॉग में मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जलगांव से अभी सीधा धूले रोड से ही आपको आगे आगे निकलना है। एक चौक लगेगा, फिर और एक चौक लगेगा आपको, और उस चौक से फिर आपको जो है लेफ्ट में मुड़ना है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप किसी को पूछ सकते हैं कि भाई इच्छा देवी चौक कहाँ है, या फिर आप RTO ऑफिस जाने वाला चौक भी किसी को पूछ सकते हैं, तो कोई भी आपको बताएगा RTO ऑफिस जाने वाला चौक। तो वही चौक से फिर आपको लेफ्ट मारना है, और लेफ्ट में आपको आचार्य तुलसी मार्ग मिल जाएगा। तो आप ये भी पूछ सकते हैं किसी को कि आचार्य तुलसी मार्ग पे मुझे जाना है, या फिर आप ये भी लगा सकते हैं, मैप भी लगा सकते हैं आचार्य तुलसी मार्ग के ऊपर। तो आचार्य तुलसी मार्ग से
सीधा आप जाएंगे तो आपको फिर से राइट मारना है, और राइट मार के आपको कांताई राजपथ मिलेगा। तो ये कांताई राजपथ होके आप सीधा जो है आर्यन इको रिसोर्ट जा सकते हो। तो वही कांताई राजपथ से मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ आर्यन इको रिसोर्ट की तरफ जाने वाला। ये देखिए, यहाँ से फिर से हमने लेफ्ट मारा है, तो ये सीधा कांताई राजपथ जो है आर्यन इको रिसोर्ट की तरफ भी जाता है। कांताई राजपथ जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन में है, अभी ये रोड बहुत अच्छे से बनने वाला है कुछ ही दिनों में। अभी फिलहाल तो इस रोड की कंडीशन में आपको दिखा रहा हूँ कि ये थोड़ा टूटा फूटा हुआ रोड है। आप इस कांताई राजपथ से जाते जाते एक मैं आपको रेशमाई प्लाजा करके बिल्डिंग भी दिखा रहा हूँ, जो टर्निंग पे है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। और वही टर्निंग से लेफ्ट मार के सीधा आपको जो है आगे चल के एक रेलवे का ब्रिज मिलने वाला है, वो भी मैं आपको कवर करूँगा इसी व्लॉग में। क्योंकि रेलवे का ब्रिज जैसी पार करेंगे तो आपको सीधा जो है ये जो आर्यन इको रिसोर्ट मिल जाएगा। ये देखिए आर्यन इको रिसोर्ट का पुल के पास में पोस्टर भी आपको जगह जगह मिल जाएंगे। ये देखिए जिस रेलवे ब्रिज की मैं बात कर रहा था वही ब्रिज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस ब्रिज के नीचे से आपको जाना है। ये देखिए कितना टूटा फूटा हुआ ये ब्रिज है, यहाँ बहुत ही मतलब डेंजरस है अपना व्हीकल चलाना, तो धीरे धीरे आपको कार यहाँ से निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही टूटा फूटा हुआ ये रास्ता है। इस ब्रिज के नीचे से आप देख सकते हैं ये कार आई, लेकिन वो पीछे जा रही और दूसरे रास्ते से निकल रही है। और अभी यहाँ से सिर्फ 1 या 1.5 किलोमीटर अंतर पर जो है आपको आर्यन इको रिसोर्ट मिलने वाला है। तो अभी पहुँच चुके हैं हम आर्यन इको रिसोर्ट। यहाँ आपको कार पार्किंग के लिए, व्हीकल पार्किंग के लिए बहुत अच्छी सी जगह बाजू में दी है, और हम फैमिली के साथ यहाँ पहुँच चुके हैं। और आगे इस आर्यन इको रिसोर्ट की जो डिटेल है मैं अगले पार्ट 2 ब्लॉग में देने वाला हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ आपको क्या क्या एक्टिविटी मिलेंगी, तो इसका पोस्टर में दिखाया गया है, रेन डांस, बोटिंग, आप यहाँ आइसक्रीम भी खा सकते हो, बैना भाई का एक विलेज भी यहाँ अच्छे से दिखाया गया है। तो आगे आने वाले ब्लॉग में मैं आपको कवर करने वाला हूँ। मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।